नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में द फिगर शोज पीवी प्लॉट ऑफ एन आइडियल गैस टेकन थ्रू अ साइकिल ए बी सी डी ए, ठीक है, यानी इस तरह से ये एक क्लॉकवाइज साइकिल है. ए बी सी इज अ सेमी सर्कल एंड सी डी इज इन हाफ ऑफ एन इलिप्स, ठीक है. अब इसमें सबसे पहले कह रहा है ए ऑप्शन में द प्रोसेस ड्यूरिंग ए टू बी इज आइसोथर्मल. तो वो आइसोथर्मल कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो कर्व है वो इस तरह का आना चाहिए था, तब हम बोल सकते थे कि ये आइसोथर्मल है, अगर आइसोथर्मल होता तो ए ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना, इट इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बी ऑप्शन में कह रहा है हीट फ्लोज आउट ऑफ द गैस ड्यूरिंग द पाथ बी सी डी. अब ग्राफ में ही ध्यान से देखो कि बी सी डी में वर्क डन की वैल्यू निगेटिव आएगी क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, और बी और डी पे अगर हम टेम्परेचर कंपेयर करेंगे तो बी पे टेम्परेचर ज्यादा है, डी पे टेम्परेचर कम है, यानी टेम्परेचर भी डिक्रीजेज है. तो अगर टेम्परेचर डिक्रीजेज है तो डेल्टा यू की वैल्यू भी निगेटिव होगी, तो अगर डब्ल्यू भी निगेटिव है डेल्टा यू भी निगेटिव है तो क्यू भी निगेटिव होगा, और क्यू निगेटिव का मतलब होगा कि हीट इज गिवन आउट, ठीक है ना. Hence, heat flows out. इसके बाद सी ऑप्शन में कह रहा है कि वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए बी सी इज जीरो. अब देखो सिर्फ ए और सी पे वॉल्यूम सेम होने से ए बी सी में वर्क डन जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि वर्क डन को हम लोग इंटीग्रल पी डी वी लिखते हैं, पी डेल्टा वी तब लिखते हैं जब पी कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ पे पी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो तुम ध्यान से देखो कि डब्ल्यू ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और डब्ल्यू बी सी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव जो है ये ज्यादा मैग्नीट्यूड में होगा और ये जो नेगेटिव है ये लेस मैग्नीट्यूड में होगा. कैसे, देखो ध्यान से, ए से बी में जो पॉजिटिव वर्क डन होगा ये पूरा एरिया होगा, ठीक है, और बी से सी में जो नेगेटिव वर्क डन होगा वो ये वाला एरिया होगा. तो एक्चुअली ए बी सी प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो इस सेमी सर्कल का एरिया बचेगा, सिर्फ इस सेमी सर्कल का एरिया, तो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, जीरो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही नहीं है. और डी में कह रहा है पॉजिटिव वर्क डन बाय द गैस इन द साइकिल, तो साइकिल क्योंकि क्लॉकवाइज है तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो इसमें से ऑप्शन बी एंड डी करेक्ट हो जाएंगे.